आज की वीडियो मेरे दोस्तों बहुत खास हो सकती है। इसमें मैं अपने दुख का भी इजहार करूंगा और अपनी खुशी का भी इजहार करूंगा और ये भी बताऊंगा उन लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना चैनल ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अर्निंग से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और एक ख़ास औरत से आपको मुखातब कराऊँगा जिस औरत को देख कर मेरे दोस्तों आप हैरान हो सकते हैं। दुख की बात यह है कि सर्वे से बात समझ में आई, कमेंट से भी ये बात समझ में आई कि मुसलमानों के हालात कैसे हैं, मुसलमान कितना पीछे है। अभी मेरे दोस्तों मुसलमान जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कितना दूर है और उनके नक्शे कदम पर चलने में अपनी नाकामी समझ रहा है, अपनी जो है बर्बादी समझ रहा है, यानी उसका इरादा और अजायम ये बता रहा है, बाकी अल्लाहु आलम। एक बहुत बड़ा सर्वे ये सामने आया और खुशी की बात यह है कि जो इस तरह के कमेंट आए हैं उस पर इंसान होने के नाते, यानी इंसान के अंदर एक फितरत होती है, घबराहट तो हुई थोड़ा सा, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी आ गए जिन्होंने हौसला बढ़ाया कि ये होगा, ये आपके साथ होकर रहेगा, इसलिए कि ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन पर हुआ है। और इस तरह के जो लोग भी दीन की मेहनत करने वाले हैं, हक़ को बयान करने वाले हैं और हक़ को आम करने वाले हैं, उनके ऊपर ये हालात तय है ये समझ लो और आप हिम्मत मत हारो, आप अपना काम करते जाओ। मेरे दोस्तों आप ज़रा गौर करो कि हम लोग अभी क्या तकलीफ़ उठाए हैं दीन के लिए और दीन पर ना चलने की वजह से हम पीछे चले गए, हमारी कौम पीछे चली गई। कितनी बड़ी तादाद मैं गिनाऊं जो सुबह के वक्त यानी फज्र की नमाज में आने के बजाय वो 8 बजे 9 बजे दिन तक सोते हैं। बताओ मुसलमान आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? एक बहुत बड़ी तादाद जो माँ बाप की नाफरमान है, एक बहुत बड़ी तादाद जो जुआ खेल रही है, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो शराब तक पहुंच गई है, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो ज़िना की तरफ जा रही है। अब बताइए कि मुसलमान कैसे आगे जाएगा? किसी के सीएम या इंडिया का प्रधान बनने से आगे जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, उसमें मालूमात करो कि मुसलमान आगे कैसे जाएगा। ये सारी चीज़ें बनना है, सारी हुकूमत के पाने की कोशिश करना है कि मैं सारे दुनिया का जो हाकिम बन जाऊँ, इससे मना नहीं किया गया, लेकिन कामयाब कैसे होगा इंसान पहले उस पर आना पड़ेगा। एक गाड़ी आप खूबसूरत बनाकर खड़ी कर दीजिए और उसके बाद आपको उससे सफ़र करना है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, फिर वो गाड़ी कैसे चलेगी? पता चला कि असल जो चीज़ है, असल जो ईमान वाले की ज़िंदगी में जो चीज़ होना चाहिए वो दीन है, पहले हमें दीन सीखना होगा। तो एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया जिससे बहुत घबराहट हुई और उस पर मैंने सोचा कि अपनी कुछ तड़प और फिक्र रखूं। और मेरे दोस्तों आपसे मिन्नत तो समाजत है कि आप बात को समझने की कोशिश करो और इससे चैनल ग्रो नहीं हो रहा है बल्कि चैनल डाउन हो रहा है। कैसे? कि बहुत बड़ी तादाद का कमेंट जो है मेरे खिलाफ़ है, वो मुझे सब्सक्राइब करेगी, फैसला कर लेंगे कि ये आदमी सही नहीं है। आप सोचो कि चैनल ग्रो हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो ये हक बात यानी पहुँचानी है, चाहे चैनल ग्रो हो चाहे डाउन हो। मेरे दोस्तों थोड़ा सा मौका मिला, मैंने पहुंचाने की कोशिश की और मैंने किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश नहीं की बल्कि इज्जत पर पहुंचाने की कोशिश की है। आप ज़रा दिल की गहराई में जाकर महसूस करो और पूछो। और मेरे दोस्तों ये औरत को जो मुखातब करा रहा हूँ, ये अरशद रील्स जो चैनल है, ये लोग एक ज़माने से जो है वीडियो बना रहे हैं लेकिन कभी बेपर्दा नहीं हुए। और मेरे दोस्तों इनकी फैमिली मुझे पसंद आई, हालांकि ये लोग भी फरिश्ता नहीं है, बहुत सी कमियाँ भी इनके अंदर दिखती हैं, लेकिन एक बड़ी खूबी जो मैं दिखाने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि इतने दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन कभी चेहरा इनका, जबकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, ऐसा दिखता है कि बस वीडियो बन गई लोग देख लिए, जो मैं बैठ के बना रहा हूँ चेयर पर आप देख रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं बनती। देखो कितनी गर्मी हो रही है, पसीना आपको दिख रहा होगा और फिर कितनी देर तक कॉन्टेंट के बारे में सोचना पड़ता है, कौन सी बात बुरी लगी कौन सी अच्छी लगी, बड़ा मुश्किल काम है। तो इतने दिनों से वो लोग वीडियो को बना रहे हैं लेकिन आज तक आप देख रहे होंगे कि कभी उस औरत का चेहरा खुला हुआ नज़र नहीं आया, जबकि एक बड़े मुजाहिदे का काम, बड़ी मशक्क़त का काम है। तो मेरे दोस्तों एक बड़ी खूबी एक औरत की जो आपके सामने आई, जो हम लोगों के लिए इबरत है, नमूना है और हमारी ज़िंदगी में भी अमल आ जाए, इसके लिए एक एहसास का ये ज़रिया है जो अरशद रील्स जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनकी फैमिली, मेरे दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, इसलिए इनको देख कर हमें एहसास करना चाहिए। और इनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया, इनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया। अब ये देख लीजिए, कोई अगर बेपर्दा है तो उसके ख़िलाफ़ भी यानी बोलना जुर्म है और अगर कोई पर्दे में है तो वो भी जुर्म है, यानी दोनों तरह के लोग हैं। इनका भी बहुत से भाइयों ने जो है वीडियो बना बनाकर खूब मजाक उड़ाया,
تو میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں ایسی حرکتوں سے ہم باز آئے اور ساتھ دینے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارننگ یوٹیوب کے ذریعے سے بڑھایا تو بہت سے محتاج اور غریب و مسکین ہیں، بہت سے بے پردہ ماں بہنیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کی دیوار اتنی نہیں اٹھ پا رہی ہے کہ پردہ ہو سکے، کچھ لوگ کھلے میدان میں جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ اگر نوازے گا تو ان لوگوں کا انشاءاللہ بہت زیادہ دھیان دیا جائے گا اور ان تک ان کے حالات کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ بہت بڑی تعداد ویڈیو کو شیئر کرو، چینل سے جوڑو، تاکہ بہت بڑی تعداد جو اندھیرے میں ہے اور دین سے دور ہے، حق کو نہیں پہچان پا رہی ہے، وہ حق کو پہچاننے والی بن جائے۔ السلام علیکم۔